हाय फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी हल्दी की हार्वेस्टिंग। और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हरे पत्ते हैं इसके अंदर और काफ़ी नए पत्ते इसके अंदर आ रहे हैं। नए पत्ते आप देख सकते हैं, हल्दी जब तक लगी रहेगी उसमें कुछ ना कुछ नए पत्ते आते रहेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हल्दी कब हार्वेस्ट करनी है। हल्दी हार्वेस्ट करने के लिए जब ये पत्ता पूरी तरह से इस तरह से सूख जाए तब आपको हल्दी हार्वेस्ट करनी चाहिए। मैं ये हल्दी जल्दी हार्वेस्ट कर रही हूँ और आपको पूरा इसका वीडियो दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हल्दी का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है और आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हम थोड़ा जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं और मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं देखना चाहती हूँ कि इतने बड़े पौधे में क्या सच में हल्दी इसके अंदर बनी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये हल्दी का पौधा पूरा इसमें से बाहर निकाल दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी हल्दी आई भी है थोड़ी बहुत। चलिए मैं आपके सामने चेक करती हूँ। हल्दी के पौधे की जड़ें आप देख सकते हैं, ये कितनी मोटी मोटी जड़ें हो गई हैं। और अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी हल्दी इसमें बनी है। मुझे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा हल्दी बनी होगी। सिर्फ जड़ें हैं इसके अंदर और बिल्कुल भी हल्दी नहीं है। ये जो हल्दी हमने लगा रखी थी सिर्फ वही हल्दी इसके अंदर दिखाई दे रही है और बिल्कुल भी हल्दी नहीं है इसके अंदर। जो हमने किचन का कचरा डाल रखा था वो खाद में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन हल्दी इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनी है। और मैं आपको यहाँ पर पूरी हल्दी निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी हल्दी हमारी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हल्दी बनना शुरू हो गई है। यहाँ पर काफ़ी हल्दी बन रही है हमारी। इस तरह की ये हल्दी नई हल्दी है जो कि बन रही है। और ये हमने जो पुरानी हल्दी लगा रखी थी वो ये है, और ये हल्दी है। और यहाँ पर भी हमारी हल्दी बन रही है, ये देख सकते हैं आप। ये जो मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये हल्दी यहाँ से बनना शुरू हो गई है। उसकी जड़ें काफ़ी मोटी हैं। तो इस तरह से आप हल्दी आप इसको दोबारा ट्रांसफ़र कर दीजिए और 6 महीने का वेट करिए, आपको बहुत सारी हल्दी मिलने वाली है इससे। तो इस तरह से आप भी अपने घर में हल्दी का प्लांट लगा सकते हैं और 6 महीने में आपका हल्दी का रिज़ल्ट ये रहेगा। तो इसको मैं दोबारा से किसी पौधे में लगाने वाली हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी बहुत हल्दी मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी बनना शुरू हो गई है। ये हल्दी बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह का पौधे को आप बिगाड़िए नहीं, आप इस पौधे को दोबारा लगा दीजिए जिससे कि आपको कुछ हल्दी मिल पाए। ये फ्रेश हल्दी है, देखिए फ्रेंड्स, ये हल्दी है और ये बनना शुरू हो गई है। और ये हल्दी का, यहाँ से हल्दी बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह का पौधा अगर आपको दिखता है तो इसको फेंकना नहीं है। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो हल्दी ना लगाएं, क्योंकि हल्दी लगाने के बाद 1 साल लेती है पूरा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप हल्दी लगाना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, तभी आपको हल्दी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी हल्दी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर ये हल्दी की मोटी मोटी जड़ें हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी हल्दी नहीं है।